वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो मैप के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, में आपने सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ा है, उसी के बेस्ड के ऊपर ये मैप है। और इस टॉपिक में हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के बारे में देखेंगे कि उनकी पोजिशन कौन कौन सी स्टेट में लाई करती हैं और किस तरह से ये सॉइल्स हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है जो कि देश के ज़्यादातर हिस्सों में पाई जाती है। और उत्तरी भारत में जो नॉर्दर्न पार्ट है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो एलुवियल सॉइल से ही बना है, जिसको हमारे रिवर सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है जिन्होंने इस सॉइल को बनाया है वो है सिंध, जिसको इंडस भी कहते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीन हिमालयन रिवर्स हैं जिनके सिस्टम से ही ये सॉइल बनी है। इसके अतिरिक्त इसका कुछ हिस्सा राजस्थान और गुजरात में भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एलुवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के डेल्टाज में भी पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल टाइप है ब्लैक सॉइल। काली होने के कारण इसको काली मिट्टी कहा जाता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ ये मिट्टी कपास की पैदावार के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। ये मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल। रेड सॉइल इग्नस रॉक्स की क्रिस्टलाइजेशन में बनी है। इसके बारे में आपने तीन तरह की रॉक के बारे में पढ़ा होगा 7th क्लास में, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नस रॉक्स। तो इग्नस रॉक्स की क्रिस्टलाइजेशन से ये सॉइल बनी है। और कम वर्षा वाले डेक्कन प्लेट के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में, जो ईस्टर्न साउदर्न पार्ट्स हैं उनमें ये पाई जाती हैं। डेक्कन प्लेट्यू के बारे में आपने पढ़ा है कि जो सेंट्रल पार्ट में जो साउदर्न साइड की तरफ ये प्लेट्यू है, पठार है जिसको हम कहते हैं, मीन चट्टानी एरिया है जहाँ पे ये सॉइल में देखने को मिलती है, उसी के डिकम्पोजिशन से ये सॉइल बनी है। ये मिट्टी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा, मीन जो सेंट्रल पार्ट है गंगा प्लेन का, वहाँ पे वेस्टर्न घाट के किनारों पर पाई जाती है। आयरन कंटेंट ज़्यादा होने के कारण ये मिट्टी लाल रंग की होती है और पानी में यह पीले रंग की हो जाती है। नेक्स्ट टाइप है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसमें जो लेटर वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। लेटर का मीनिंग होता है ब्रिक, मीन्स यानी ईंट, मीन्स मिट्टी ईंट के रंग के जैसी। ये मिट्टी भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले एरियाज में विकसित होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस कंटेंट कम होता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर के कारण डिकम्पोजर जैसे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे ह्यूमस कंटेंट कम बनता है। ये सॉइल कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में ये मिट्टी चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बेहतर है। रेड लैटराइट सॉइल में काजू की पैदावार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में की जाती है। फिफ्थ है रेड सॉइल। रेड सॉइल रंग में लाल से भूरे रंग की होती है। यह रेतीली और सलाइन होती है, मीन्स इसमें नमक का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। कई जगहों पर साल्ट कंटेंट ज़्यादा होने के कारण पानी की वेपोरेशन से नमक भी निकाला जाता है, मीन्स पानी को वेपोरेट कर नमक निकाला जाता है। यह मिट्टी राजस्थान के डेजर्ट एरिया में देखने को मिलती है। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट सॉइल। ये ऐसी सॉइल्स हैं जैसे कि नाम से पता चल रहा है, फॉरेस्ट सॉइल ऐसी सॉइल्स हैं जो कि हिली और माउंटेन एरिया में देखने को मिलती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट अवेलेबल रहते हैं। और ये जो फॉरेस्ट सॉइल हैं ज़्यादातर हिमालयन माउंटेन्स वाले एरिया जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है। ये सॉइल, इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कम रहता है। हालांकि जो इनके कम लो प्लेन वाले एरियाज़ में, पहाड़ी एरियाज़ के नीचे वाले एरियाज़ में ये सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है, जहाँ पे बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।